हेलो एवरीवन, आज इस चैप्टर को जो हमारा चल रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, उसका लास्ट वीडियो है। दो लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पहले अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चंस के साथ में इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। दो चैप्टर्स हमारे टेस्ट में आने वाले हैं, हमारे यूनिट टेस्ट में। पहला चैप्टर सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स आज हम इसको ओवर करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर तक हमने एक लास्ट जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एंगल लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। एंगल लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल हमने फॉर्मूला देखा था, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, जिसमें हमने ये नोट किया था कि जो थीटा है दैट शुड ऑलवेज बी इन रेडियन। आज उसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख के रखा है, एक बार रीड करते हैं अपन। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर देख रखा है 20 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 20। डायमीटर की हाफ हो जाएगी रेडियस, तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट हमको ये बताया कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमने बोल दी 20 सेंटीमीटर। अब अपन यहां पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल का मैंने यहाँ पर सेंटर मार्क किया, ठीक है। हमको बोल के रखा है भैया रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ से एक रेडियस बना ली। अगर मैं सेंटर से किसी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो वो रेडियस हो जाएगी, तो ये रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं कोई सा एक और पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन कर लू तो ये भी रेडियस ही रहेगी, तो ये भी 20 सेंटीमीटर। उसने बोला है द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के किसी भी दो सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट को टच करती है। कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के किसी भी दो सर्कमफेरेंस के पॉइंट को टच करती है। एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, दैट लाइन कटिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज अ कॉर्ड टू द सर्कल। तो अगर मैं ये जो दो रेडियस वाले पॉइंट है, ये मैंने बोला ए, ये मैंने बोला बी, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये भी एक कॉर्ड होगी, कॉर्ड ए बी। तो ए बी की लेंथ भी हमको कितनी दे के रखी है? 20 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो एक ट्रायंगल बना है, मैंने अगर इस सेंटर को नाम दे दिया ओ, तो अगर मैं इस बात करूं ट्रायंगल ए ओ बी, तो ये जो ट्रायंगल बना, देखो इसकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ भी 20 सेंटीमीटर। किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स की लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो ये जो ट्रायंगल हुआ ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। हम लोग यहां पर लिख लेते हैं ट्रायंगल एओबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्राइंगल एओबी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। अब एक चीज ध्यान देना, अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है? तीन एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है? देखो टोटल सम, दो एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्राइंगल की होती है 180 डिग्री। और अगर हमको बोला है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एक एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। 60 60 60 हो गया टोटल 180। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन हम लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, मान लो कि मैंने ये लिया 60 डिग्री। मैंने बहुत बार हाईलाइट करके आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देन थीटा शुड बी इन रेडियंस। हम लोग डिग्री में कभी भी एंगल्स नहीं लिखेंगे, हम लोग हमेशा किस में लिखेंगे? रेडियंस में। तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमने को तरीका मालूम है, 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री कर दो, ये आ गया हमारा थीटा। ये कैंसिल करोगे तो थीटा की वैल्यू आ गई यहां से पाई अपॉन 3, अभी निकल गई थीटा की वैल्यू, ठीक है। रेडियस अपने को देके रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। हमको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब ये जो लेंथ है हमारी, ये ए बी की जो आर्क है, ये हमको लेंथ इसकी निकालनी है, ठीक है। तो ये लेंथ हमको एल मान ली हमने, थीटा अपना है पाई बाय 3, लेंथ को मान लो एल और आर देके रखा है अपने को 20, ठीक है। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 पाई अपॉन में 3, 12 इंटू
ये सेंटीमीटर लेंथ है इसलिए किसमें आएगी सेंटीमीटर में। तो हमको लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना था, वो हो गया एल इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। इसको यहां पर भी छोड़ सकते हो, चाहो तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया एक पैटर्न। अब अपन एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। हमारे पास दो सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक और हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, हमने दो सर्कल कंसीडर करे, यही क्वेश्चन भी यही समझा रहा हूं। हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल के लिए जो ये एंगल होता है अंदर का, जो सेंटर से रेडियस के बीच का ये जो एंगल बन रहा है, ये है 60 डिग्री। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 60 डिग्री। और एक और सर्कल है, यहां से जो एंगल बन रहा है वो है 75 डिग्री। दो सर्कल है हमारे पास, एक का सेंटर और रेडियस वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, दूसरे सर्कल का एंगल कितना है 75 डिग्री। हमको क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि ये जो इनकी लेंथ है ना आर्क की, दोनों केसेस में, फर्स्ट सर्कल में भी और सेकंड सर्कल में भी, ये लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम है। मतलब अगर यहां पे मैं लेंथ ऑफ आर्क कंसीडर कर रहा हूं एल सेंटीमीटर, तो यहां पर भी लेंथ ऑफ आर्क कितनी है एल सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। हमको बोला क्या है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इन दोनों के रेडियस की रेशियो निकालना है। कि अगर मैं यहां पे मान लेता हूं कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल्स टू आर वन सेंटीमीटर, और मैं बोलू रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल्स टू आर टू सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हम यहां लिखेंगे टू फाइंड आर वन अपॉन आर टू। ठीक है, हमको दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो निकालना है आर वन अपॉन आर टू। स्टार्ट करें, देखो हमारे पास ये दो एंगल्स देके रखे, हमको डिग्री में देके रखे, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। कभी भी क्वेश्चंस में अगर डिग्री में देके रखा है तो उसको सबसे पहले हमारा काम है किसमें कन्वर्ट करना, रेडियन में। तो 60 डिग्री को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180, मतलब ये हो गया पाई अपॉन 3। और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको अपन लिखेंगे 75 इंटू पाई अपॉन 180। इसको कैंसिल करोगे तो अगर 5 से कैंसिल करते हो यहाँ पे, तो ये आएगा 15 और ये आएगा कुछ 36। फिर अगर 3 से कैंसिल करोगे तो ये होगा 5 और ये होगा 12, मतलब हमारे पास आ गया 5 पाई बाय 12। ठीक है, ये दोनों के कन्वर्जन आ गए हमारे पास रेडियन के, एक का आया पाई बाय 3, एक का आया 5 पाई बाय 12। अब ध्यान से देखना, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अगर मैं यहां से एल की वैल्यू निकालू तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इंटू आर, या आर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एल की वैल्यू हो गई थीटा इंटू आर, एल इज इक्वल टू हो गया थीटा इंटू आर। अब मेरे पास दो सर्कल है, ठीक है, तो दोनों सर्कल के लिए मुझे उसने बोल के रखा है कि L की वैल्यू तो सेम है। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो L इक्वल्स टू हो जाएगा ये इसका थीटा, मैं बोल देता हूं थीटा 1 इनटू R1, इसकी रेडियस मैंने मान ली थी R1। और अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू थीटा 2 इनटू R2, थीटा 2 मतलब ये 75 डिग्री वाला और R2 इसकी रेडियस मान ली थी। अब क्वेश्चन में बोल के रखा है कि दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, मतलब जो इसका एल है वही उसका एल भी है। ठीक है, दोनों सर्कल का एल वाला जो फैक्टर है वो सेम है, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क एल की वैल्यू सेम है तो ये जो थीटा 1 आर 1 की वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, थीटा 2 आर 2 के लिए। क्यों, दोनों की एल की वैल्यू सेम है तो एल और एल आपस में कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, थीटा 1 आर 1 इज इक्वल टू थीटा 2 आर 2। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा 1 आर 1 इज इक्वल टू थीटा 2 आर 2। मुझे निकालना क्या है, R1 upon R2, ठीक है, तो मैं यहां से R1 upon R2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये R2 को इधर डिवाइड में लाया तो इधर हो जाएगा ये थीटा 2 upon में थीटा 1, R1 upon R2 की वैल्यू कितनी आई, थीटा 2 upon थीटा 1, थीटा 2 कितना आया था 5 पाई बाय 12 और थीटा 1 कितना आया था पाई बाय 3।
ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 से 12 कैंसिल हुआ 4, मतलब आपका रेशियो जो आया दैट इज 5:4। हमारा जो आंसर है दोनों की रेडियस का रेशियो वो कितना है, 5:4। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख के क्लियर कर लो। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमको एक पेंडुलम दे के रखा है, क्वेश्चन में हम लोगों को दे के रखा है एक पेंडुलम। ठीक है, इस पेंडुलम की जो लेंथ दे के रखी है दैट इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, पेंडुलम की लेंथ कितनी दे के रखी है, 75 सेंटीमीटर, और हमको यहां पर इसके लिए दे के रखा है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क दे के रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पेंडुलम की लेंथ दे के रखी है 75 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दे के रखा है 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है एंगल। ठीक है, अब अगर ये पेंडुलम है तो ये पेंडुलम कुछ इस तरीके से स्विंग करेगा। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, पेंडुलम ऐसे ही स्विंग करता है टू एंड फ्रो मोशन में। अब अगर मैं सोचूं कि अगर ये पेंडुलम पूरा ऐसा सर्कल कंप्लीट करता है ऊपर तक, पूरा ऐसा सर्कल, तो ये वाला जो पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर है, और ये सर्कल के सेंटर से ये पेंडुलम इस तरीके से स्विंग कर रहा है, तो अगर ये ऐसा पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो ये जो 75 सेंटीमीटर है ये क्या हुआ, सर्कल का रेडियस हुआ, क्योंकि इसके अलोंग ही पेंडुलम पूरा स्विंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ पूरा उसका रेडियस, 75 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द पेंडुलम, और लेंथ ऑफ आर्क हमको देख रखा है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहां से एंगल इजीली निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मतलब एल हमको दे के रखा है 10, रेडियस हमको दे के रखी है 75। अगर इसको मैं 5 से कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा 2/15। ठीक है, लेकिन ये किस में आया है हमारा, रेडियंस। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दे के रखा है मतलब हमारा आंसर किस में आया है, रेडियंस में आया है। ठीक है, ये वाला पार्ट नोट करो, और इसके एक और पार्ट आप लोग करोगे, सेकेंड पार्ट। ये जैसे फर्स्ट पार्ट था जिसमें लेंथ ऑफ आर्क देकर रखा था 10 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट में करना है लेंथ ऑफ आर्क को मान लो 15 सेंटीमीटर। बाकी पूरी चीज सेम है, तो अब ये जो 10/75 था इसकी जगह क्या हो जाएगा, 15/75। ये नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा हूं आप नोट डाउन करो। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, लिखो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस does it turns in 1 second? ये हमको निकालना है। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute through how many radians does it turns in 1 second? देखो ये लास्ट चैप्टर क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट। सुनना क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, 1 मिनट में 360 बार घूमता है वो। ठीक है, फिर उसने ये बोला है हमको कि बताओ 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, लेकिन हमको किस में बताना है, वो रेडियंस में बताना है कि कितना एंगल घूमेगा 1 सेकंड में। अब देखना ध्यान से, अगर मैं बोलू उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 1 मिनट में उसने बोला है कितना घूम रहा है, 360 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 मिनट में हमको निकालना किसके लिए, सेकेंड्स के लिए, तो हम लोग क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो अगर 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है दैट मींस 60 सेकेंड्स में कितना घूम रहा है वो, 360 रिवॉल्यूशंस। या तो 1 मिनट लिखो या 360 लिखो, 60 सेकेंड्स लिखो, बात तो एक ही है, या तो 1 मिनट लिखो या 60 सेकेंड लिखो। तो हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड्स में। अब हमको क्या पता है 60 सेकेंड्स में वो घूम रहा है 360 रिवॉल्यूशन। अगर मुझे 1 सेकेंड का निकालना है
तो अगर 60 में 360 है तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60, इसको डिवाइड में लेंगे, यूनिटरी मेथड रिवॉल्यूशंस, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में हमारा आया कितना, 6 रिवॉल्यूशन। 360 अपॉन 60 करोगे तो कितना आ गया, 6 रिवॉल्यूशंस। अब हमको 1 सेकंड का तो निकालना था, लेकिन हमको किस में निकालना था, रेडियन में। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगर कोई व्हील ये एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये पूरा जो एक राउंड होता है वो कंप्लीट कर रहा है, तो अगर एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो कितना घूम रहा है। जैसे अगर मैं इसमें क्वाड्रेंट की बात करूं, ये एक राउंड कंप्लीट करा तो ये कितना एंगल होता है पूरा टोटल, 360 डिग्री। एक राउंड कंप्लीट करना मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट करना, तो वो 360 डिग्री घूमता है। तो एक रिवॉल्यूशन जब एक बार पूरा व्हील कंप्लीट तरीके से घूम जाएगा, जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था वापस उस पोजीशन पर आ जाएगा, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसने कितना एंगल कवर करा, 360 डिग्री। लेकिन हमको तो रेडियन में निकालना है। एक रिवॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करते हैं, एक रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं एक रिवॉल्यूशन को 360 डिग्री नहीं, मुझे रेडियन में लिखना है, तो 360 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180, तो ये कैंसिल हुआ, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, हम लोगों ने क्या निकाला कि एक रिवॉल्यूशन में वो कितना घूमता है, 2 पाई रेडियंस। लेकिन मेरा आंसर कितना आया था, मेरा आंसर 2 पाई रेडियंस एक रिवॉल्यूशन का थोड़ी था, मेरा आंसर कितना था कि 1 सेकंड में कितना घूम रहा है वो, 6 रिवॉल्यूशन। तो अगर हम यहां से अब रिलेट करें कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूम रहा है, 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूम रहा है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा, तो हम लोग यहां पे कर देंगे कि 1 रिवॉल्यूशन में अगर 2 पाई रेडियन है तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 6 × 2 पाई, दैट मीन्स 12 पाई रेडियंस। ये है हमारा फाइनल आंसर। एक रिवॉल्यूशन हमने देखो यहाँ पे एक निकाल लिया था, 1 सेकंड पे 6 रिवॉल्यूशन। अगर मैं एक रिवॉल्यूशन की बात करूं तो 360 डिग्री, 360 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई रेडियन। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, तो 6 रिवॉल्यूशन में 6 × 2 पाई मतलब 12 पाई रेडियन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, उसके बाद में फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये वाले इसी पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस में कर लेना, आपकी बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो मेजर मेजर पैटर्न्स होते हैं ना, पैटर्न्स की हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन वो हम अचीव कर चुके हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको करने पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन है जैसे, तो जैसे वन अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, इसमें ही आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि अ व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशंस, या फिर एक और क्वेश्चन होता है 540 रिवॉल्यूशन, ये कर लीजिए ये कर लीजिए। तो इस पैटर्न के आपके पास 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक लास्ट अपन ने जो क्वेश्चन करा था कि एंगल क्या देके रखा था, 60 डिग्री और 75 डिग्री। ठीक है, इसका एक और पैटर्न हम लोग ये कर सकते हैं कि हमने एक एंगल को मान लिया, पहला एंगल 75 डिग्री, दूसरा एंगल मान लिया 110 डिग्री। तो ऐसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अज्यूम करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न एक कंप्लीट हो गया। फिर एक उसके पहले वाला हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि डायामीटर दे के रखा है अपने को 40 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम कुछ मान लेते कि डायामीटर दे के रखा है 80 सेंटीमीटर या फिर 70 सेंटीमीटर, तो उससे फिर रेडियस हाफ हो जाएगी। तो हम लोग इसका एक पैटर्न मान लेते हैं कि डायामीटर हमको दे के रखा है मान लीजिए 50 सेंटीमीटर और रेडियस 25 हो जाएगी, और जो कॉर्ड है वो कॉर्ड भी अपने को दे के रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हमको निकालना है इसमें आगे की लेंथ ऑफ आर्क, तो फिर हम उसके लिए, तो ये जो फर्स्ट पैटर्न करा था उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, ये जो सेकंड पैटर्न करा था उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, ये थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन के दो फॉर्म हो गए, एक 180 रिवॉल्यूशन से कैलकुलेट करेंगे, एक 540 रिवॉल्यूशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सारे पैटर्न्स आपके कवर हो गए। ठीक है, तो ये पैटर्न अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे कि रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको इन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चंस और भी फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेट्स वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके रखना, उसके वीडियोस जो आपके पास है वो फिर से एक बार देखना, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर आप बताइए स्कूल में। ठीक है, फिर उसको हम आगे डील करेंगे। ये यहाँ पर हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। ठीक है, चलो, तब तक आप ये प्रैक्टिस करके रखो, टेक केयर।